फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ BMW X1 के बारे में, E84। तो फ्रेंड्स, इस कार में जो प्रॉब्लम है वो इसका इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए इस कार की मैं खोलने वाला हूँ ऑयल सम्प फर्स्ट, ओके, क्योंकि इस कार में काफ़ी लॉकिंग की प्रॉब्लम आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं इसका ऑयल सम्प खोलने वाला हूँ। ऑयल सम्प खोलने के बाद अभी हम इसका इंजन का टाइमिंग है उसको खोलेंगे, ट्रांसमिशन खोलेंगे। तो फर्स्ट अभी हमें सबसे पहले खोलना है इसका नीचे का प्रोटेक्ट कवर जो कि इंजन सील्ड होती है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका प्रोटेक्ट कवर। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले इसका ये प्रोटेक्ट कवर ये खोलना होता है। तो इसको हटाने के बाद हम खोलेंगे इसका ऑयल सम्प। तो फ्रेंड्स, इस सील्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये इसका लॉक होता है जो कि हमें इसको रोटेट करने पर ये लॉक निकलता है। इस तरीके से आप इस लॉक में इसको फंसा करके आपको ये पूरा सील्ड है इसको रोटेट करना होगा, तब ये लॉक इसका निकलेगा इजीली। तो अभी हम इसका 17 नंबर स्पैनर से इसके जो ऑयल सम्प का नट है इसको खोल करके इसका जो ऑयल है उसको ड्रेन करेंगे, ओके। तो इस कार में जो प्रॉब्लम आई है फ्रेंड्स, ये इसमें सर्विसिंग के बाद आई है। इस कार की सर्विस हुई थी तो आप देख सकते हैं इसमें ऑयल का भी साइन भी बना हुआ है, पूरा ये पूरा लगा हुआ है इस पर ऑयल। तो इस कार में सर्विस होने के बाद से ये आवाज़ काफ़ी आने लगी है। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट मैं इसका इंजन ऑयल निकालने वाला हूँ। इंजन ऑयल निकालने के बाद मैं इसका जो ऑयल टेम्परेचर ऑयल लेवल सेंसर है इसको खोल करके इसमें चेक करूँगा इसमें अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कार्बन वगैरह क्या प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं इसको खोलने के लिए। फ्रेंड्स, इसका ऑयल सम्प से हमने ऑयल बोल्ट खोल करके सारा इसका ऑयल ड्रेन कर दिया है। तो अभी हम खोलने वाले हैं इसका ऑयल सम्प ट्रांसमिशन, और मैं इसका ऊपर से जो इसका टैपेट कवर है रॉकर कवर उसको भी खोलने वाला हूँ। तो उसको खोलने के लिए हमें ये इसके फ्यूल इंजेक्टर और जो इसमें ये कैप्स लगे हुए हैं ये हमें हटाने होते हैं। तो ये है इसकी रिटर्न लाइन, ये है इसका सॉकेट और ये इसका 19 नंबर स्पैनर से इसके पाइप्स कॉमन रेल। तो उसके लिए हमें ऊपर का पूरा कॉल टॉप है इसका वो हटाएंगे हम, और उसका बोनट है इसको भी हम अलग हटा देते हैं इसके स्पेस के लिए। तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसके ऑल सम से और ऊपर टैपेट कवर से, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो टाइमिंग है वो आगे की जगह पीछे बैक साइड होता है, ओके। तो इसका जो इंजन है वो पीछे बैक साइड में इसका टाइमिंग होता है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें पूरा पीछे ट्रांसमिशन वगैरह पूरा खोलना होता है। क्योंकि या तो फिर आपको इसका इंजन पूरा नीचे डाउन करना होगा या फिर ट्रांसमिशन खोलना होगा। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। तो कंटिन्यू फिटिंग अभी जारी है। हमें पहले कॉल टॉप खोलने के लिए इसमें बोल्ट्स लगे हुए हैं स्क्रू, तो 8mm के स्क्रू से हम इसको खोल रहे हैं। अभी मैंने BMW का दूसरी कार का एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है सर्विसिंग का और इसके EGR का, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऊपर कार्ट में भी, यहाँ ऊपर कार्ट में भी यहाँ पर आप क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने इसका EGR का पूरा वीडियो बनाया हुआ है और सर्विस का भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो वो थी दूसरी BMW, लेकिन वो भी यही मॉडल था X1, और ये दूसरी गाड़ी है। तो ये फ्रेंड्स इस जो कॉल टॉप है इसमें होता है इसका केबिन फिल्टर, तो ये आप देख सकते हैं ये इसका केबिन फिल्टर है। तो ये यहाँ पर उसमें पूरा फिट होता है। तभी हम इसका पूरा कंप्लीट केबिन टॉप जो कॉल टॉप है इसको हटाएंगे, उसके बाद खोलेंगे इसके फ्यूल इंजेक्टर टैपेट कवर्स, उसके बोनट को भी हटाएंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो इस कार की फिटिंग थी, जैसा कि मैंने आपको इसका बोनट बताया था, वायरिंग के कनेक्टर बताए थे, तो इवन इसका वायरिंग का पूरा सॉकेट इसको ओपन कर दिया अल्टरनेटर से, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेटर फिटिंग होता है। तो अभी हम इसका निकाल रहे हैं फ्यूल इंजेक्टर और टैपेट कवर। तो हमने इसका वाइपर और जो भी इसका कॉल टॉप वगैरह था पूरा सिस्टम खोल दिया है। तो अभी हम इसकी पूरी फिटिंग खोल रहे हैं। तो ये है इसका कैम सेंसर, ओके। तो अभी हम पूरा खोल दिया रहे हैं इसको कंटिन्यू, तो कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए। पूरी फिटिंग हम धीरे धीरे इसकी खोल रहे हैं। तो ये है इसकी रिटर्न लाइन। तो रिटर्न लाइन को लॉक खोलने के लिए ये जो इसका लॉक है ये आपको यहाँ पर इस तरीके से लेकर के ऊपर पुल करना होता है, ऊपर खींचना होता है, तो इस तरीके से इसका लॉक जो है खुल जाता है, ओके। ये है इसका प्रेशर सेंसर और दूसरी साइड है इसका फ्यूल रेगुलेटर प्रेशर वाल्व। तो फ्रेंड्स, ये हम यहाँ से इसके जो इंजेक्टर है फ्यूल इंजेक्टर ये हमने इसके रेल पे से पाइप खोल दी है। तो अभी हम इसको खोल देते हैं, ओके।
तो ये है इसे फ्यूजो इंजेक्टर। तो उसके बाद हमें ये M8 से इसका ये बोल्ट है, ये इसको खोलना होगा। तो उसको खोल करके हम चारों इंजेक्टर इसके बाहर निकाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने चारों इंजेक्टर की पाइप हटा दी है। अभी हम इसके बोल्ट खोल करके इसके बोल्ट हटाएंगे इंजेक्टर को, उसके बाद खोलेंगे हम टैबलेट को। अभी इसके फ्यूल इंजेक्टर पाइप खोलने के बाद इसका जो ब्रैकेट था उसके बोल्ट खोलने के बाद हमने इसका पहले नंबर का इंजेक्टर रिमूव कर दिया है कार से। तो अभी हम धीरे धीरे सारे इंजेक्टर इसके निकालने वाले हैं। इसको निकालते हैं। तो ये था इसका सिलेंडर नंबर 1 इंजेक्टर। तो अभी हम दूसरे नंबर का इंजेक्टर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इंजेक्टर निकालने के बाद ही हमने इसका एक नंबर इंजेक्टर पर एक नंबर मार्क कर दिया है। तो ये हमने इसका 2 नंबर फ्यूल इंजेक्टर निकाल दिया है। अभी हम इसका 3रा नंबर इंजेक्टर निकालेंगे। तो ये हमें इस तरीके से इस पर मार्किंग कर देनी है। जिससे कि जो फ्यूल इंजेक्टर जिस जगह का हम वापस उसको उसी जगह पर फिटिंग कर देंगे, तो आपको इसमें कोडिंग के लिए, इसमें मैचिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हम इसका 3rd नंबर का फ्यूल इंजेक्शन है वो उसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं निकालता हूँ उसके फ्यूल इंजेक्टर को, क्योंकि वो थोड़ा सीज है। तो इसके लिए आपको स्पेशल टूल इसके पुलर की जरूरत हो सकती है। तो ये आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से निकालना है, जिससे कि इसका जो सोलर नट है जिसमें सेंसर फिट है वो टूट ना जाए। ओके, तो अभी निकालते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट हम इसमें यूज करते हैं इसका ये जोरेक्स स्प्रे। तो इसको जोरेक्स करने के बाद हम इसका जो फ्यूल इंजेक्शन है उसको इसको स्प्रे करने के बाद, तो अभी हम वेट करते हैं 15-20 मिनट का, उसके बाद हम इसके फ्यूल इंजेक्शन को निकालेंगे। तो ये इजीली निकल जाएगा, इसके अंदर जो भी डस्ट है उसको क्लीन करके ये इंजेक्टर इजीली आपका ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने अभी आपको इसके 2 इंजेक्टर के बारे में बताया था, तो इसके जो 2 इंजेक्टर है ये फ्यूल इंजेक्टर, इसके दोनों ये सीज हो चुके हैं। तो मैंने अभी इसमें लिक्विड जो इसका स्प्रे है वो मैंने डाल करके इसको छोड़ दिया है। तो उसमें थोड़ा लगभग 10-12 घंटे का टाइम देना होता है इसमें इंजेक्टर को फ्री होने में। तो जब तक मैंने जो इसका नीचे का पूरा जो फिटिंग था इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो मैंने नीचे उसको ओपन कर दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो ये हमने इसको रिमूव कर दिया है। और ये है इसका फ्लेम व्हील, और ये है इसका पॉपुलर शाफ्ट, और ये है इसका टॉर्क कन्वर्टर। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने जो इसका फ्लेम व्हील खोला था वो इस जगह से खोला था। तो अभी हम इस फ्लेम व्हील को हटा करके इसका जो टाइमिंग कवर है इसको खोलने वाले हैं। तो अभी टाइमिंग कवर खोलने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोल्ट्स इसमें लगे हुए हैं। तो इन बोल्टों को खोल करके हम इसका टाइमिंग कवर खोलेंगे। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें समथिंग आपके टोटल 15 बोल्ट है। तो इन 15 बोल्टों को खोल करके हम इसका जो टाइमिंग कवर है इसको पूरा रिमूव करेंगे, इसको हटाएंगे हम, ओपन करेंगे। और ये है इसका पल्स व्हील जो कि क्रैंक सेंसर को सिग्नल देता है। तो ये है इसका सिग्नल व्हील, तो इसको मैंने हटा दिया है अभी। तो ये यहाँ पर इसमें फिटिंग होता है फ्रेंड्स। ओके, और ये है इसमें इसकी मेन सील, और ये है इसका क्रैंक सेंसर। ओके, तो ये इसका क्रैंक सेंसर है जो कि इस तरीके से यहाँ पर इसका सॉकेट इसमें लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम इसको सारे बोर्ड खोल करके इसको टाइमिंग कवर को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, कम्प्लीटली हमने इसके जो टाइमिंग कवर के बोल्ट थे और सारे बोल्ट इसके खोल दिए हैं। तो अभी हम इस टाइमिंग कवर को हटाने वाले हैं। तो हटाते हैं इसको। फ्रेंड्स, ये था इसका टाइमिंग कवर।
इसके लिए आपको इसका ट्रांसमिशन और ऑयल चैम्बर पूरा हटाना पड़ता है। ओके, तो ये है, आप देख सकते हैं ये इसकी टाइमिंग चैन है। ये देखिए कितना लूज हो चुका है, ये इसका एल्बम का टाइमिंग चैन है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये काफ़ी लूज हो चुका है। ओके, तो ये इसका एल्बम का टाइमिंग चैन है, और ये है इसका हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग चैन, और ये इसका चैन गाइड, और ये है इसका कैम का टाइमिंग चैन। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी इसका लूज हो चुका है। तो अभी हम इसको पूरा रिप्लेस करेंगे, खोलेंगे इसके टाइमिंग को। तो अभी मैं आपको इसके टाइमिंग के बारे में बताऊंगा, चैन का टाइमिंग, कैम का टाइमिंग, हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग। तो अभी फर्स्ट अभी हमें इसका खोलना है ऑयल सम्प। तो पहले हम इसका ऑयल चैम्बर खोलेंगे, ये जो इसका ऑयल सम्प है, तो कम्प्लीटली हम इसको बाहर निकालेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे, उसके बाद हम इसमें पूरी कम्प्लीट इसका पार्ट जो है इसमें फिटिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए। अभी हम इस कॉल पर ऑयल सम्प भी है, उसको भी रिप्लेस करने वाले, खोलने वाले ओपन। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो बताया था, ये इसका हमने टाइमिंग कवर पूरा निकाल दिया है। तो ये इसका आप टाइमिंग चेंज देख सकते हैं, काफ़ी लूज हो चुका है, तो इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम है। तो अभी मैं इसका निकाल रहा हूँ पूरा ये ऑयल सम्प, उसका टैपेट कवर। तो टैपेट कवर निकालने के लिए मुझे निकालना होगा इसका फ्यूल इंजेक्टर। तो मैंने आपको पहले वीडियो बता चुका हूँ, मैं इसके दो फ्यूल इंजेक्टर ऑलरेडी पहले निकाल चुका हूँ। तो जो इसके दो फ्यूल इंजेक्टर और है वो सीज हो चुके हैं, तो इसके लिए मैंने स्पेशल टूल, इसका जो पुलर है उसको यूज कर रहा हूँ। तो इससे हम इसके फ्यूल इंजेक्टर निकालने वाले हैं। तो ये जो पुलर है, ये आपको फ्यूल इंजेक्टर में ऊपर टॉप पर कसना होता है इसका पाइप हटा करके, और इसको लगाने के बाद ये आपको इस तरीके से ऊपर पंप करना है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से ये इजीली ये इंजेक्टर आप देख सकते हैं निकल चुका है, जो कि ये सीज था। तो इसी स्टेप से हम इसका चौथे नंबर का इंजेक्टर है, इसको भी निकालने वाले हैं। ओके, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। अभी हम इसके चौथे नंबर इंजेक्टर को भी निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसका चौथे नंबर का इंजेक्टर निकालेंगे, और ये था इसका तीन नंबर का इंजेक्टर, जो कि अभी हमने इसको पुलर से निकाला है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा सीज हो रहा था, तो अभी हम इसको भी निकालते हैं चौथे नंबर इंजेक्टर को। तो इसको हमें पाइप खोल करके इसके ऊपर ये हमें पुलर लगाना होता है इस तरीके से, और पुलर लगाने के बाद ये हम इसको फिर से अप डाउन करके हम इसको निकालेंगे। ओके, तो ये बहुत ही केयर अच्छा टूल है स्पेशल, जो कि फ्यूल इंजेक्टर निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। ये तो काफ़ी मुश्किल होती है इसको निकालने में। फ्यूल इंजेक्टर है, इसको पाइप खोल करके ये इसमें पुलर हमने एक बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अभी हम निकालते हैं आपके सामने इसके फ्यूल इंजेक्टर को, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टर, इसमें तीन फ्यूल इंजेक्शन इसके सीज थे, तो मैंने तीन निकाल दिए हैं, अभी ये लास्ट रह गया, तो मैं इसको भी निकालता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये इस स्टेप से आप इस फ्यूल इंजेक्टर को निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थी BMW X1। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने इसका फ्यूल इंजेक्शन निकाला है, अभी मैं इसका पूरा कम्प्लीटली टाइमिंग पूरा खोल रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये है BMW X1। तो फ्रेंड्स, इसके जो फ्यूल इंजेक्शन थे वो हमने निकाल दिए हैं। तो अभी हम जो इसका टैपेट कवर है उसको हटा रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। ये आपको बड़े ही केयरफुल तरीके से निकाल, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लास्टिक का कवर होता है, तो इसको लिए आपको ये हर एक का, ये हाई प्रेशर का पाइप है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है आपको निकालने में, इसके लिए आपको खोलना पड़ सकता है वैसे तो मैनिफोल्ड, लेकिन मैं इसको इजीली इसी तरीके से निकालने वाला हूँ। ओके, बाकी का मैंने आपको एक वीडियो और अपलोड किया हुआ है इसका BMW X1 के EGR का, तो अभी आप उसका लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको खोलने का तरीका, उसको क्लीन करने का तरीका आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वो भी कार BMW X1 थी, सेम यही इंजन था उसमें भी। ओके, और ये अनोथर कार है, ये दूसरी कार है, तो उस कार की मैंने सर्विसिंग की भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उस कार का सर्विस का भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने दोनों वीडियो के लिंक नीचे दिए हुए हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में, और आप ऊपर कार्ड पे भी क्लिक करके, यहाँ ऊपर आप कार्ड पे भी क्लिक करके उस लिंक पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो टैपेट रॉकर था, वो टैपेट कवर है, उसको हमने हटा दिया है। तो ये है इसकी हेड कैम्स, और ये है इसकी पीछे कैम गिरारी, और यहाँ पर फिटिंग है इसकी टाइमिंग चैन। ओके, तो
तो अभी हम नीचे से इसका ऑयल सम खोल करके इसकी टाइमिंग चेन को बाहर निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, और नीचे जो इसके कनेक्टर है जो बेल वगैरह उसको भी हम चेक करेंगे। तो फिटिंग खोलते हैं इसके नीचे से। कम्प्लीटली हमने इसके फ्यूल इंजेक्टर निकाल दिए हैं और हमने इसका फ्यूल जिसका ऑयल सम्प है उसके बोर्ड खोल दिए हैं। तो अभी हम इसके ऑयल सम्प को बाहर निकाल रहे हैं। ओके, तो ये था इसका ऑयल पम्प। ओके, तो कंटिन्यू देखते रहिए। अभी हम निकाल रहे हैं इसके सारे स्पेस करके। ये यहाँ पर इसका ऑयल गेज होता है जो कि यहाँ इस जगह पर फिट होता है। ये इसका ऑयल गेज का पाइप है, इसमें ये एक ओरिंग होता है रबड़ का। ओके, अभी कंटिन्यू निकाल रहे हैं हम इसको। कौन सा? तो फ्रेंड्स, कम्प्लीटली जो इसका ऑयल सम्प था वो हमने इसका हटा दिया है। तो आप ऑयल सम्प में देख सकते हैं ये काफी एमरी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफी एमरी है इसमें। ओके, तो अभी इसके अंदर कुछ लगता है, कुछ ज्यादा ही इसमें अंदर गड़बड़ है इसके इंजन में। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं कम्प्लीटली। तो जो इसका ऑयल पम्प था वो फेल हो गया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है सारी। क्योंकि जो इसका ऑयल पम्प है आप देख सकते हैं इतना चैन लूज होने की वजह से काफी इसमें प्रॉब्लम आई है। तो अभी हम इसको खोलने वाले हैं इसके ऑयल पम्प को, और इसके बाद इसके पूरे प्लेट है इसको खोलने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर ये जो एमरी जनरेट हुई है ये हम देखने वाले हैं किस वजह से हुई है। तो मुझे जो लग रहा है ये आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पर कनेक्टिंग रोड पर ये स्क्रैच है कुछ, तो मुझे इसका बिगिन का लग रहा है डाउट। ओके, तो अभी हम इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसको प्लेट को हम खोल रहे हैं कंटिन्यू। तो इसको खोलने के बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है अभी अंदर, क्या क्या पार्ट्स डैमेज है। तो इसके अंदर काफ़ी पार्ट इसके डैमेज हो चुके हैं। फ्रेंड्स, कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए। अभी हम सारे बोर्ड्स खोल करके इसकी ऑयल पम्प को अलग हटाते हैं। ऑयल पम्प को खोलने के बाद हम बताएंगे आपको और इसमें हमें क्या क्या करना है। जो पार्ट्स मैं रिप्लेस करूंगा उसका मैं सेकेंड वीडियो अपलोड अलग करूंगा, उसका दूसरा पार्ट। ये इसका ओपनिंग का पार्ट है, ये इसका ऑयल पम्प था, ये इसका टाइमिंग कवर है, ये इसका ट्रांसमिशन है। ओके, और ये है इसका टॉर्क कन्वर्टर। तो ये है इसकी पॉपुलर शॉफ्ट, और ये हमने इसका पूरा कंटेन एग्जॉस्ट सिस्टम पूरा खोला हुआ है। इसके जितने भी बोल्ट थे हमने सारे बोल्ट इसके खोल दिए हैं। तो अभी हम इसके ऑयल पंप को अलग हटाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको ऑयल पम्प निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये उसको ऑयल पम्प है, और आप इस पर देख भी सकते हैं सब फ्रंट में लिखा हुआ है। तो ये फ्रंट साइड रहेगा इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये इसको हमने इससे राउंड लगा करके खोल दिया है। ओके, तो ये था इसका ऑयल पंप। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इसका एडजस्टिंग का नट है, ये आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर लूज है, ये भी लूज है। ओके, तो ये भी इसको हम सेटिंग करेंगे इसका। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसमें काफ़ी एमरी है, तो इसको हम टेस्ट करेंगे किस जगह से एमरी इसमें बना। तो ये इसका ऑयल पम्प था, और ये जो प्रॉब्लम आई है फ्रेंड्स, ये आपको जो उसका ये कनेक्टेड रॉड है तो इसको हम खोलने वाले हैं। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है ये इस जगह से लग रहा है, इसी पे ये इसका आयन लग रहा है इसमें घिसने का। तो इसको खोलते हैं हम। इसको खोलने के बाद हम चारे जितने भी इसके कनेक्टेड रॉड है उसको खोल करके हम सभी का इसका बिगिन चेक करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको खोलने के लिए।
फ्रेंड्स, इसके कनेक्टर रॉड के बोल्ट खोलने के लिए आपको E12 का स्पेनर चाहिए होता है, बिट सॉकेट। तो इस बिट सॉकेट को आप इस पर लगा करके इजीली आप इसको खोल सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसको बोल्ट लूज करके इसको खोलने वाले हैं। तो ये इसका कनेक्टर रॉड है, ये इसका क्रैंक है, ये इसका वॉल्यूम का चेन है, ये इसका हाई प्रेशर पंप का चेन है, ये इसका बैलेंसर का आइडलर बेयरिंग है और ये इसका लेफ्ट बैलेंसर है। ओके, तो इसका बैलेंसर है इंजन का अंदर, तो उसका गियर है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका आइडलर है और यहाँ पर इसका राइट बैलेंसर है। ओके, और ये इसका ऑयल प्रेशर चेन टेंशनर है जो कि ऑयल को टाइट करता है प्रेशर से और चेन को टाइट करता है। ये इसका हाई प्रेशर पंप गियर है यहाँ पर, और यहाँ से सीधा चेन कनेक्टेड होता है ऊपर हेड की कैम पर। तो ये हमने इसका बोल्ट खोल दिया है और इसका जो लगे ना उसको निकालते हैं। तो मुझे तो डाउट इसी पे है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसी से यहाँ, ये देखिए ये पूरा बेकार हो चुका है, इसमें पूरा बिगिन बेकार है इसका। ओके, तो अभी हम इसका पूरा क्रैंक भी ओवरऑल करेंगे, अब हम इसका पूरा इंजन है वो पूरा ओवरऑल करेंगे। तो पूरा इंजन डाउन करते हैं इसका। ओके, तो ये पूरा कनेक्टर रॉड भी इसमें बेकार हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इसको खोलने के लिए। तो अभी मैं इसी का यही वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके, उसके बाद जो इसका फिटिंग का वीडियो है वो मैं अपलोड करूँगा। अभी मैंने आपको उसका जो प्रॉब्लम था वो आपको मैं दिखा दिया, जिसकी वजह से कार स्टार्ट नहीं हो रहा है और जो उसका टाइमिंग चेन है उसकी वजह से। ओके, तो मैं इसका टाइमिंग किट और इसको पूरा रिप्लेस करके इसका फिटिंग का वीडियो भी अपलोड करूँगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी भी मिलने वाले मैकेनिक को, किसी को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।